पाकिस्तान की तारीख में पहरियों भेरो प्रीमियम नंबर प्लेट्स की नीलामी की तकरीब कराची में थी रही है। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन जो चवण है तो पाकिस्तान की तारीख में पहरियों भेरो सिंध के एक्साइज खाते तरफा प्रीमियम नंबर प्लेट्स की नीलामी की तकरीब थी रही है। नीलामी में हासिल थींदड़ रकम बोर्ड मुतासिरन लाए हाउसिंग प्रोजेक्ट के दिनी वेंदी। कदमन जो मकसद कुदरती आफतन सबब मुतासिरन की मदद करना है। नीलामी सीड़पकारी के एक कीमती मौके अहम इंसानी मकसद में हिस्सो विझण की नुमाइंदगी करना है। पाकिस्तान नेवल एकेडमी कराची में 121 मिडशिपमैन पासिंग आउट परेड तकरीब। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ की तकरीब में शिरकत। सामुंडी फौज के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ जो चवण है हथियारबंद फौज दहशतगर्दी के मुंह दियण की भरपूर सलाहियत रखे थी। पाकिस्तान अंदरूनी बाहर सिक्योरिटी चैलेंजेस के मुंह दई रो है। पाकिस्तान नेवल एकेडमी मयारी तरबियत फराहम कर रही है। उम्मीद है तो दोस्त मुल्क जहाँ कैडेट्स लागापा बढ़ाने ला किरदार अदा कंदा। खिपरो विजो फंक्शन लीग अगवान फकीर खुदा बख्श दर्स मुहाफिज समेत हमले में कत्ल। कोट फकीर हमजो खान दर्स ने अंजातल हथियारबंदन अगुणे ताल के नाजिम फकीर खुदा बख्श दर्स से हमलो करेनो। हमले में फकीर खुदा बख्श दर्स संदर सिक्योरिटी गार्ड अब्दुल खालिक मारजिया इलाके में दहकाव पकड़ी वो। मकतूलन जा लाश अस्पताल मुंतकिल। वाके के इतलाते फंक्शन लीग जा कारकुने होर जमायत जा मानू वडे अंग में अस्पताल पहुंची वह। पुलिस अस्पताल के कड़ो चाड़े छो। फंक्शन लीग अगवान के कत्ल का पोई खिपरो शहर सोग में बंद थी वो। पंजाब असेंबली में गौड़ कंदड़ मेंबर की रुकनियत में मुअल जबतन से अमल दरामद ला एथिक्स कमेटी कायम करने जो ऐलान। स्पीकर मलिक अहमद खान जो चवण है तो कें भी मेंबर के अवान में कढ़ स्पीकर जो अख्तियार है। पार्लियामेंट में गौड़ कें भी सूरत में बर्दाश्त न कया वो। ऐवान जो तकदस हर सूरत में बरकरार रखा वो। सजी पार्लियामेंट चाहे थी गुड गवर्नेंस गुड डिलीवरेंस होजे। ऐवान में किरियल गाल बुझी कंध शर्म का झुकी वो। कराची में पहरी का 10 मोहरमुल हराम तई कलम 144 लागू मोटरसाइकिल की बेल सवारी ते पाबंदी होंगी। घरू खाते नोटिफिकेशन जारी करे छो। नोटिफिकेशन मौजिब मोहरम में इजाजत खान सवाए जुलूस रैली कढ़ने ते पाबंदी होंगी। मोहरम दौरान हथियार की नुमाइश ड्रोन उड़ाण ते भी पाबंदी लागू होंगी। हैदराबाद में माओ और धी के कैद कर भित खणायण वाले वाक्य जो केस दाखिल। मुतासर बेवा औरत तस्लीम की फरियाद से केस दाखिल किया वो। FIR के मथन मूजिब तस्लीम और धी दुआ के मिल्के के तकरार से भित खणाए कैद किया वो। फरियाद ने मौके इख्तियार किया है तो घर जा टे हिस्सा जैमा एक में हुआ संदस धी रहन। सहुरे जो माइट सुहेल हिरासा कह हो देर भी साणस मिलल है। उन्होंने कल असा के कैद कर भित खणाई छी। चक भरसा वजणा सखर खां रुस्तम मींदे गुम वारसन पारा अगवा जो शक जाहिर। गुम थी वलन में गोठिया बोड़े वासी अब्दुल गफ्फार शाह उर्फ अली दिनो आई सखर वासी सदाम हुसैन दायो शामिल थाने ते एमसी दाखिल। गौसपुर में ट्रिन नौजवानन जी अगवा आई शहर में वधंदल बदामनी खिलाफ हिंदू पंचायत JUI आई STP जे सदर ते शटर बंद हड़ताल एहतजाजी रैली। गुजरल ढीह गौसपुर शहर का कंदकोट भी
अकबरानी लाड़े वटा टिन नौजवान संजय कुमार नितेश गियाणी ए नितेश कुमार के हथियारबंद मुबैना तौर अगवा कर रहा हुआ। टंडो मोहम्मद खान वेझो गोठ हाजी लोंग चना वटे आबड़ी शाख के घारो पैजी वो घारो पवण सबब फसल पानी हेठ अची वो पानी तेजी से गोठंदा उथन लगो इतला बावजूद आपाशी अमलो न पहुंतो गोठान पंजी मदद पान तहत घारो बंद करण में रुधल छठे वेझो केंजर डंड से पिकनिक से आयल कराची वासी बारड़ो बुढ़ी फौत थी वो फौत की सुणप अरीब पुट लईक नाले से थी मोहनजो दड़ो भरसा मासूम बारड़ो पानी के तलाब में बुढ़ी फौत थी वो घुट मंगियाणी जोड़ी जो वासी जैन अली जोड़ी जो घर बाहर पानी के तलाब में बुढ़ी वो लाश घर पहुंचने से कोहराम अची वो T20 वर्ल्ड कप जो फाते खैर थो दक्षिण अफ्रीका और भारत विच में अज फाइनल खेडे वो पाकिस्तानी वक्त मूजिब अज 7:30 वगे दक्षिण अफ्रीका और भारत विचों टीमों एक बे से मुहारो अटकाइंद क्रिकेट के शौकीन के फाइनल मैच ऐसा बेसब्री से इंतजार।